नमस्कार. इन द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट डिफिनेशन ऑफ द वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूजेज ऑफ मॉडल्स. टुडे वी डू कंटिन्यू the study of this chapter. The point of view of the study of this chapter is SSC CGL examination, banking examination and schooling examination of the student class 8 to 12. Last class में हम लोग इसके बारे में study कर चुके हैं, जैसे verb का definition क्या है, verb कितने प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और फिर मॉडल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे. आज इसी कक्षा को जारी रखते हैं और आगे चलते हैं. और हम लोग आज स्टडी करेंगे यूज ऑफ मॉडल एक्जिलरी वर्ब्स. इस क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है SSC का CGL examination, CHSL examination, banking examination, तो ये, और schooling students के लिए भी है. ये कक्षा 8 से 12 तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा. इसी के point of view में आज हम फिर से कक्षा को जारी रखते हैं. और आज जिस टॉपिक पर कंसिडर करेंगे वो टॉपिक है आपका यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब. आइए कक्षा को जारी रखते हैं. चलिए, मैं क्लास को शुरू कर दिया हूँ. इसका एक और एक क्लास हम लोग अरेंज किए थे और उसमें हम लोग डिफिनेशन ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, और ये एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है, ये सब के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए हैं. ये क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है SSC का CGL एग्जामिनेशन, SSC का CHSL एग्जामिनेशन और IBPS के द्वारा आयोजित बैंकिंग एग्जामिनेशन. इसके साथ ही साथ स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये उपयोगी है, जो बच्चे क्लास 8 से 12 में स्टडी कर रहे हैं, उनको भी इससे प्रश्न पूछा जाता है उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स. तो यहाँ पर देखिए, कैन और आपका कूड है. कैन और कूड का यूज कहाँ पर होता है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करेंगे. और जैसे जैसे क्लास डेवलप करेगा और कुछ जानकारियों को प्राप्त करेंगे. और थोड़ा सा जानकारी मैं ये दे देता हूँ, SSC के CGL या CHSL में इंग्लिश लैंग्वेज नाम के सेक्शन से 25 प्रश्न पूछा जाता है. उस 25 प्रश्न में से कुछ प्रश्न आपका वर्ब से भी पूछा जाता है. तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक वर्ब का उस एग्जामिनेशन में क्या सिग्निफिकेंस या महत्व है. तो इसको पढ़िए, आप एक बार रीड कीजिए रूल नंबर 1 को, फिर मैं इसको डिटेल्स करता हूँ. रूल नंबर 1, नंबर 1, कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है. कूड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी, भूतकाल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. तो आप इसको जैसे ही पढ़े, ये आपका कैन और कूड का उपयोग बता रहा है कि कैन का कौन सा अंग्रेजी वाक्यों में उपयोग होगा, कौन सा इंग्लिश सेंटेंस में उपयोग होगा.
तो विद द हेल्प ऑफ सच सेंटेंसेस थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर कैपेसिटी देन वी यूज द वर्ड कैन। कैन क्या है? आपका मॉडल एक्सिलरीज है, तो कैन का उपयोग वहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, मतलब बक्सा उठाने का सामर्थ्य ही में है कि नहीं है, उसी को अभिव्यक्त या एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर कैन का यूज किया गया है। आप यहाँ देख रहे होंगे कैन जो है बोल्ड लेटर में लिखा गया है, तो यहाँ पर कैन का मीनिंग होगा कि उसमें एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर है कि नहीं है बक्से को उठाने का। अगर यदि इसी एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को यदि पास्ट टाइम में अभिव्यक्त करने का रहता, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे आई कुड नॉट कम यस्टरडे। मतलब क्या है कि यस्टरडे जो दिन बीत गया उसको हम लोग यस्टरडे कहते हैं, जो दिन आने वाला है उसको हम लोग टुमारो कहते हैं, और जो दिन चल रहा है उसको हम लोग टुडे बोलते हैं। तो बोलता है कि पास्ट में एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन के जगह कूड का उपयोग करते हैं। अब क्या होता है कि इस तरह का कैसा प्रश्न इस प्रकार के परीक्षा में पूछा जाता है, यदि दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग जो देख रहे थे, अगर वहाँ पर कूड के जगह कैन का उपयोग कर दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द मॉडल, अकॉर्डिंग टू द वर्ब विल बी इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा या इसमें त्रुटि हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख देते हैं आई कैन नॉट कम यस्टरडे, तो दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, ये एक प्रकार का गलत सेंटेंस हो जाएगा। अर्थात यस्टरडे मतलब पास्ट टाइम में आने की एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो हम लोगों को पता है कि पास्ट टाइम में एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग वहां पर कूड का उपयोग करेंगे। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैन और कूड का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कहाँ पर कैन का उपयोग करेंगे और कहाँ पर कूड का उपयोग करेंगे। तो कूड का उपयोग आप समझ गए, अगर यहाँ पर यस्टरडे के जगह अगर कैन का यूज हो जाए तो फिर ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसके लिए जो भी मार्क मिलेगा वो मार्क हमको नहीं मिल पाएगा। इसका रूल नंबर 2 को पढ़िए, रूल नंबर 2 क्या कहता है? कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के अभाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पढ़ने के बाद थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में कि इफ यू वांट टू सीक परमिशन, आपको किन्हीं से परमिशन चाहिए, अनुमति चाहिए, तो वहाँ पर हम लोगों को वैसे सेंटेंस में कैन का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल जो दिया हुआ है, यू कैन गो नाउ, मतलब बोल रहा है, अगर आपका आप इसका हिंदी देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर यू को जाने के लिए अनुमति दिया जा रहा है। यू कैन गो नाउ मतलब आप जा सकते हैं। यहाँ पर कोई एक और है जो इनको परमिशन दे रहा है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर इंस्टेड ऑफ कैन If you use other models, then this sentence will be incorrect.
अगर कैन के जगह में किसी दूसरे मॉडल्स का यहाँ पर उपयोग कर दिया जाए परमिशन सीकिंग करने के लिए, अनुमति मांगने के लिए, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर कैन का ही यूज होगा। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर फिर देखिए, या रूल नंबर 3 को पढ़िए, रूल नंबर 3 पढ़िए, क्या कहता है देखिए। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी, इट मीन्स दैट हम लोग एक प्रकार का फोरकास्ट करते हैं कि इनकमिंग डेज या इनकमिंग टाइम ऐसा हो सकता है। अगर इस तरह का अभिव्यक्ति हमको करना है तो वहाँ पर हमको कैन का ही यूज करना होगा। जो आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो काफ़ी एकदम क्लियर हो जाएगा, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। एक्चुअली में वो मिस्टेक किया नहीं है, ये मिस्टेक का पॉसिबिलिटी बता रहा है कि प्रत्येक जो है मिस्टेक या गलती कर सकता है। एक प्रकार का थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सब कोई बोलेगा कि नहीं, आई एम ऑलवेज करेक्ट, मैं हमेशा सही हूँ या सही रहूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में कहता है कि एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक। तो अगर सैद्धांतिक संभावना को आपको एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पर जो सूटेबल मॉडल जो होगा वो आपका कैन होगा, ठीक है। अब यहाँ रूल नंबर 4 में आइए, और जिस मॉडल के बारे में प्रयोग करने की बात बोला जा रहा है वो आपका कूड है। तो एक बार इसको भी पढ़िए, रूल नंबर 4 को। कूड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब रिमोट पॉसिबिलिटी यहाँ पर था थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, रिमोट इट मीन्स दैट दूर, पॉसिबिलिटी मतलब वही हो गया संभावना। तो रिमोट पॉसिबिलिटी को अगर विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश हमको एक्सप्रेस करना है देन वी यूज द मॉडल विच इज कूड। हम जिस मॉडल का उपयोग करते हैं या करेंगे उस मॉडल को हम लोग कूड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, देयर कूड बी ए बम अंडर योर सीट। यह रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि आपके सीट के अंदर में एक बम है या बम होने की संभावना है। रिमोट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो अगर इसमें इंस्टेड ऑफ कूड किसी दूसरे चीज का यहाँ पर यूज कर दिया जाए तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर इसको अगर हम अलग अलग पार्ट में कर दें, देयर कूड बी ए बम अंडर ए ट्री, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और यदि यहाँ कूड के जगह में क्या लिखा हुआ है, कैन लिखा हुआ है, और आपको बोलेगा कि देखिए यहाँ पर कहाँ पर ना एरर हो गया है, तो फिर हमको यहाँ पर पीक आउट करना होगा कैन को। इफ वी बिकम सक्सेस टू पीक आउट कैन और आइडेंटिफाई कैन देन वी बिकम एबल टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। तो इस सेक्शन में, इस सेंटेंस में कौन सा सेक्शन में इनकरेक्ट है हम उसको पहचान कर लेते हैं। और इनकरेक्ट को पहचान करने के लिए जितने नंबर का ये प्रश्न रहता है उतना नंबर हमको मिल जाता है। अगर आप एसएससी सीजीएल में कंसीडर करेंगे तो इस तरह का प्रश्न 2 अंकों का पूछा जाता है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ना एरर को आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एसएससी के सीजीएल में आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है, और उस 25 प्रश्न में से कुछ प्रश्न आपका बेसिक वर्ब से भी होता है। बात हो गई, ये स्कूलिंग एग्जामिनेशन या स्कूलिंग बच्चों के लिए भी यूजफुल है। तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है कि राइट एन एग्जाम्पल विच एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर बोला जाता है कि आप एक ऐसा सेंटेंस लिखिए
जिससे रिमोट पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड द स्टूडेंट राइट देयर कुड बी ए बम अंडर योर सीट। अगर इस तरह का सेंटेंस अगर वो विद्यार्थी लिख देता है तो इसके लिए जो भी मार्क्स एलोटेड होता है उसको मिल जाता है। तो लेट्स सी, आप हम लोग यहाँ पर रूल फाइव को देखते हैं। रीड द रूल फाइव। खेल का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। अब यहाँ पर जैसे ही देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होती है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए नॉट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो नॉट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, और यहाँ पर जब आप सेंटेंस को पढ़ लेते हैं तो निवेदन दो प्रकार का, निवेदन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक आपका दोस्ताना मतलब फ्रेंडली रिक्वेस्ट और एक आपका औपचारिक रिक्वेस्ट मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर हमको किन्हीं को फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है तो वैसे सेंटेंस में हम लोगों को कूड का प्रयोग करना होगा, और कूड क्या है तो एक प्रकार का मॉडल है। अगर हमको किन्हीं से फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना है तो वहाँ पर हम लोग कैन का यूज करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं कैन आई टेक योर स्कूटर, तो यहाँ कैन विद द हेल्प ऑफ कैन वी एक्सप्रेस ए फ्रेंडली रिक्वेस्ट। कैन के द्वारा हम लोग एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कैसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्रेंडली या दोस्ताना निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। फिर अगर कूड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, एक प्रकार का फॉर्मल रिक्वेस्ट है, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर समझिए यदि फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात आती है तो आप वहाँ पर कूड का प्रयोग कीजिए, और यदि फ्रेंडली रिक्वेस्ट आता है तो वहाँ पर कैन का प्रयोग कीजिए। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 ऑफ द यूजेज कैन एंड कूड, कैन और कूड के उपयोग करने वाले रूल नंबर 5 के अनुसार कैन और कूड का उपयोग यहाँ पर हम करने के लिए सीख रहे हैं। और रूल नंबर 5 में बोलता है वी कैन यूज द वर्ड कैन टू एक्सप्रेस फ्रेंडली रिक्वेस्ट, वी कैन यूज द मॉडल कूड टू एक्सप्रेस फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट कितने प्रकार का होता है श्रुति? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और फ्रेंडली या दोस्ताना या औपचारिक, ये दो तरह का रिक्वेस्ट होता है। चलिए आप यहाँ पर इसको पढ़िए, रीड द नोट। नोट में लिखा है एवल टू का प्रयोग कैन और कूड के साथ ना करें। कभी कभी हम लोग सेंटेंस में देख लेते हैं कैन और कूड का भी उपयोग हो गया है और एवल टू का भी उपयोग हो गया है। तो रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप पढ़िए। I cannot be able to come tomorrow. ठीक है, यहाँ पर देखिए cannot मतलब can का भी यूज हो गया और can के negative form का यूज हो गया, इसीलिए यहाँ cannot लिखा हुआ है। और फिर देखिए बोलता है कि cannot और able to दोनों का meaning एक ही होता है, इसलिए दोनों को एक साथ प्रयोग करने का या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप एबल टू का उपयोग कर दीजिए या फिर कैन नॉट बी का उपयोग कर दीजिए। तो यहाँ पर यदि हम करेक्ट सेंटेंस लिखते या करेक्ट सेंटेंस बोलते तो यहाँ पर हम बोल सकते थे आई कैन नॉट बी, आई कैन नॉट टू कम टुमारो एंड आई एबल टू कम टुमारो, ये दोनों में कोई एक ही होता। अगर दोनों का प्रयोग हो गया तो इस तरह के प्रयोग को हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लस। ये कैसा प्रयोग हो गया? सुपरफ्लस हो गया मतलब जितना बोलना चाहिए उससे ज़्यादा ही बोल दिया। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति इतना बोलने लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग अंग्रेज बन गए या
ऐसा फीलिंग करवाने लगे कि हमको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आता है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर गलत कर गए और वी हैव नो प्रॉपर आइडिया अबाउट द यूजेज ऑफ एबल टू, कैन और कूड, या हमारे पास कैन और कूड का उपयोग या एबल टू के उपयोग का प्रॉपर जानकारी है ही नहीं। यदि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कितना टफ होता है। तो इट मीन्स दैट कैन नॉट बी एबल, एक साथ नहीं होगा। इसका सेंटेंस देखिए कैसे हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस इसको रीड कीजिए। आई कैन नॉट कम टुमारो, हाँ यही करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। या फिर नीचे वाले को भी रीड कीजिए। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, है ना। अगर लिख देते हैं आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये कैसा हो गया, सुपरफ्लस हो गया, इतना बोलने लगे जितना नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को तीन चार भाग में बांट देते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा इसको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक में लिखा है कैन नॉट बी, आई लिखा है पहला सेंटेंस। इस सेंटेंस को चार भाग में बांट देते हैं, आई लिखा है, कैन नॉट बी लिखा है, एबल टू लिखा है और कम टुमारो लिखा है। तो यहाँ पर कौन कौन सा चीज हटा देने से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर एबल टू को हटा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर एबल टू को हम रखना चाहते हैं तो हमको फिर कैन नॉट बी को हटा देना होगा, कहे कि कैन नॉट बी और एबल टू एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे मॉडल के यूज पर, कंसीडर करते हैं। देखिए पढ़िए, मे, माइट और मस्ट, ये क्या है, मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद एक मेन वर्ब जरूर आएगा, जो आप मेरा अगला वीडियो लेक्चर या पिछला वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा तो हाँ इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल्स किए हैं, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका मेन वर्ब भी आता है। तो मे, माइट और मस्ट का यूज कैसे होगा, इसका रूल नंबर एक पढ़िए। मे का प्रयोग संभावना या निश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए, यहाँ पर पढ़ने से पता चल गया, अभी कैन का भी प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता था, अब यहाँ बोलता है कि मे का भी प्रयोग जो है संभावना, अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। अगर हम इसको पढ़ते हैं, इट मे रेन टू नाइट, इसका मतलब ये नहीं कि आज रात में वर्षा होगी, इसका मतलब ये है कि संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संभावना है कि आज रात में वर्षा होगी। टू नाइट अभी बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट जो फ्यूचर में काम होगा तो वो आपका फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। इट मीन्स दैट इट मे रेन टू नाइट, ओके। तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि आज रात में वर्षा होगा, हम लोग ये समझेंगे कि आज रात में वर्षा होने की संभावना है। इट में भी वर्षा हो भी सकता है और वर्षा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्योंकि अनिश्चितता की बात हो रही है। चलिए, रूल नंबर टू को पढ़ लीजिए। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। रीड द यूजेज। मे यू लिव लॉन्ग। हाँ, मे यू लिव लॉन्ग, ये नॉट ऑफ जो भी है, यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेशन है, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप इसका हिंदी समझेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, इट मीन्स दैट आप दीर्घ आयु हो या आपकी लंबी आयु हो, तो ये कोई इच्छा व्यक्त करता है किसी दूसरे के लिए,
एक प्रकार का ब्लेसिंग है, ब्लेस देता है, आशीर्वाद देता है कि आप दीर्घ आयु हो, आपकी लंबी आयु हो। तो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का। अगर मे के जगह हम कैन का उपयोग कर देते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इस प्रकार की इच्छा हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या इस प्रकार की इच्छा हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट यदि मे के जगह में क्या लिख देंगे, कैन लिख देंगे, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। कैन यू लिव लॉन्ग, इट मीन्स दैट दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ये एक प्रकार का गलत या अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि चार पांच सेंटेंस दे दिया है, मे यू लिव लॉन्ग एक नंबर, कैन यू लिव लॉन्ग दो नंबर, तो अगर बोलेगा कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बोलेगा पहला सेंटेंस करेक्ट है, फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा दूसरा सेंटेंस करेक्ट है, फिर तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, फिर आपका चौथा रहेगा दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है, फिर पांचवा रहेगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस परिस्थिति में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है श्रुति, मे यू लिव लॉन्ग? तो हम लोग का जो पहला ऑप्शन होगा कि पहला ही सेंटेंस करेक्ट है, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम उस ऑप्शन को पिक आउट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए जितना नंबर रहेगा एलोटेड, जितना अंक रहेगा एलोटेड, हमको उतना अंक या मार्क्स मिल जाएगा। लेट सी रूल नंबर 3, आप रूल नंबर 3 को पढ़िए। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट से आरंभ हो तथा इसे पर्पस उद्देश्य का बोध हो तो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में का प्रयोग होता है। चलिए यहाँ पर क्या बोला, प्रिंसिपल क्लॉज किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आपका दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ होता है और इससे पर्पस या उद्देश्य का बोध हो, तो ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर है, इस एग्जांपल को पढ़िए। वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब इस रूल को देखने के बाद पता चला कि वी ईट मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है और प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद सो दैट वी मे लिव, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और आपका सो दैट से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, मे का ही प्रयोग होगा। अगर मे के जगह में अगर हम कैन लिख देते हैं या किसी दूसरे मॉडल का यूज कर लेते हैं, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस तरह का यदि प्रश्न हमारा परीक्षा में आ जाता है और लिख देता है वी ईट सो दैट वी मे लिव पहला सेंटेंस, दूसरा दे देता है वी ईट सो दैट वी कैन लिव, तो दोनों में कौन सही होगा? है ना, अगर कैन वाला अगर हम पिक आउट कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा। लेट रीड द रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 को पढ़िए, क्या कहता है। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी ज्यादा संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बारिश हो रहा है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना पॉसिबिलिटी डालता है, बोलता है कि नहीं आज एकदम 90% वर्षा होने की संभावना है, बोलता है कि नहीं आज 30% वर्षा होने की संभावना है। तो अगर मान लीजिए 90% वर्षा होने की संभावना है तो वहाँ पर ज़्यादा संभावना है कि कम संभावना है वर्षा होने का? ज़्यादा। ज़्यादा, तो उस केस में हम लोग क्या उपयोग करेंगे, मे का।
अगर हम बोलते हैं कि देयर इज 90% पॉसिबिलिटी इट मे रेन टू नाइट, देयर इज 90% पॉसिबिलिटी इट माइट रेन टू नाइट, है ना। 90% माने कैसा संभावना हुआ, ज्यादा कि कम। और वहां पर हम लोग यूज क्या कर दिए, माइट का। तो ये सेंटेंस करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ, ज्यादा वाला ज्यादा वाला में मे का यूज होगा, और हम लोग जानकारी के अभाव में वी हैव नो प्रॉपर आइडिया अबाउट द यूजेज ऑफ मे एंड माइट, और बाय मिस्टेक वी यूज्ड माइट। वहां पर हम लोग क्या कर दिए, माइट का यूज कर दिए, और पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, या ये पता चल गया कि इसको मे और माइट के उपयोग के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। इट मीन्स दैट लेस पॉसिबिलिटी का मतलब है माइट का यूज होगा, और मोर पॉसिबिलिटी इट मीन्स दैट मे का यूज होगा। अगर यदि मान लीजिए ऐसा बोला जाता है कि आज 30% वर्षा होने की संभावना है, और हम लोग इसको अंग्रेजी में ऐसे बोल देते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 30% इट मे रेन टू नाइट, गलत की सही, क्योंकि 30% तो कम संभावना हो गया, और यदि कम संभावना है तो वहां पर मे का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, वहां पर माइट का प्रयोग होना चाहिए था या यूज होना चाहिए था। देखिए इतना डिटेल्स करने के बाद देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी डाला हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप पढ़िए। He might pass the exam, but seeing his intelligence, I do not have much hope. ठीक है, यहाँ क्या लगा दिया, माइट लगा दिया। क्या लगाया, माइट, और यहाँ पर कौन सा पर्पस के लिए लगाया है, एग्जाम पास होने का। तो इसका एग्जाम पास होने का संभावना क्या लग रहा है, ज्यादा कि कम, कम लग रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इसके पास जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंस या जो बुद्धि है, उस पर आई डू नॉट हैव मच होप, मुझे बहुत ज्यादा आशा नहीं है कि ये इस एग्जाम को पास कर लेगा, या उसको इस एग्जाम का पास करने का पॉसिबिलिटी क्या है, कम है, कम संभावना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मे लगा देंगे, तब यहाँ चेंज कर देना होगा, डू नॉट को हटा देना होगा, तो यहाँ पर होगा ही मे पास द एग्जाम, बट को भी हटा देंगे, सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई हैव मच होप, मतलब ज्यादा संभावना हो गया, मोर पॉसिबिलिटी हो गया ये सेंटेंस में। और मोर पॉसिबिलिटी में हम लोग माइट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग मे का यूज करेंगे। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब रूल नंबर 5 को भी आप रीड कीजिए, क्या कहता है, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। अब बहुत अधिक का बोल रहा है, मतलब मोर, मोर से भी ज्यादा, है ना, मोर पॉसिबिलिटी से भी ज्यादा, माने जस्ट अराउंड 100%, माने ये हो ही जाएगा, इसमें और कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, यदि बोला इट मस्ट रेन टू नाइट, मतलब आज रात को वर्षा हो ही जाएगा, इट मे रेन टू नाइट, इसका मतलब वर्षा होने की ज्यादा संभावना है, इट माइट रेन टू नाइट, इसका मतलब होगा कि नहीं होगा, कोई लेना देना, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, देखिए वर्ड का किस तरह से मीनिंग चेंज होने लगता है। अगर बोलता है यू माइट पास द एग्जाम, यू मे पास द एग्जाम, यू मस्ट पास द एग्जाम, इट मीन्स दैट क्या, यू मस्ट पास द एग्जाम, मतलब आप वो आप परीक्षा अवश्य पास कर जाइएगा। यू माइट इट मीन्स दैट आपका
आप एकदम आप परीक्षा पास नहीं कर पाइएगा, आपका परीक्षा पास करने की संभावना कम है, मतलब आप फेल कर जाइएगा। यू में पास द एग्जाम, इसका मतलब है कि आपका थोड़ा सा ज्यादा संभावना लगता है कि आप परीक्षा पास ही कर जाइएगा, लेकिन आपका किस तरह से रिजल्ट आएगा वो नहीं, लेकिन जरूर पास कर जाइएगा, आप फेल नहीं होइएगा। तो सो वी अंडरस्टैंड मोर पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी एंड वेरी वेरी मच पॉसिबिलिटी, इन दैट केस वी यूज माइट मे एंड मस्ट रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्रमशः इस तरह की स्थितियों में माइट मे और मस्ट का उपयोग करते हैं। अगर थोड़ा भी चूक हो जाए तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर वी हैव नो प्रॉपर आइडिया अबाउट द यूजिंग ऑफ माइट मे और मस्ट। ठीक है, आइए अब रूल नंबर 6 को देख लीजिए। मे का प्रयोग समान रूप के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्य में किया जाता है। इट मीन्स दैट एक प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मे का प्रयोग सम्मान के साथ यदि हम किसी को निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रेस्पेक्ट के साथ अगर हम किन्हीं को रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हम मे का यूज करेंगे। ये एक प्रकार का परमिशन सीकिंग भी है, वो भी आपका किसके साथ, तो सम्मान के साथ। मे आई कम इन सर, मतलब हम लोग एक निवेदन कर रहे हैं कहाँ पर आने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इट इज ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट है, विथ रेस्पेक्ट मैंने सम्मान के साथ, सम्मान के साथ ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट है। और सम्मान के साथ इफ यू वांट टू एक्सप्रेस देन यू मस्ट यूज मे, आपको मे का ही प्रयोग करना होगा। अगर आप किसी दूसरे चीज का प्रयोग कर देते हैं तो वो सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। चलिए नोट को भी स्टडी कीजिए, क्या लिखा है। पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग न करें क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ये भी एक प्रकार का सुपरफ्लस हो गया, जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोल दिए। मे के साथ पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग नहीं होगा, अगर मे का प्रयोग हो गया है तो फिर पॉसिबली को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वी मे कम टुमारो, बस इतने में काम चल जाएगा। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पॉसिबली का यूज होगा तो मे का यूज नहीं करना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग शुरुआती इतना ही रखते हैं, अगला क्लास में फिर और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, इसको ओवर करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोग क्लास शुरू किए यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसमें कैन और कूड के प्रयोग के बारे में पूरा डिटेल्स किए और हम लोग इसको समझने का प्रयास किए और हम लोग समझ भी गए। उसके बाद हम लोग मे माइट और मस्ट का यूज कैसे होता है, कहाँ पर यदि प्रिकेशन नहीं लेंगे तो गलती हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी जानकारी प्राप्त किए। और नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो मॉडल्स है उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे सेल, व्हील और इस तरह का बहुत सारा मॉडल्स है। उसके बाद जैसे ही बेसिक वर्ब ओवर हो जाएगा तो एसएससी के सीजीएल और सीजीएसएल के अकॉर्डिंग इसके हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। तो होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू द कैंडिडेट्स ऑफ एसएससी सीजीएल, टू द कैंडिडेट्स ऑफ एसएससी सीएचएसएल,
एंड ऑल द स्कूलिंग स्टूडेंट्स हु आर और हु विल राइट द बोर्ड एग्जामिनेशन इन द कमिंग डेज. तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल्स द डिटेल्स अबाउट द यूजेज ऑफ सम मॉडल्स सच एज कैन मे माइट मस्ट. तो एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद. आप हमारे साथ रहे और समझने का प्रयास किए. आप हमारे अगले वीडियो लेक्चर में भी जो बेसिक वर्ब से ही रिलेटेड होगा उसमें जुड़िए. वहाँ पर बाकी के मॉडल्स के यूजेज के बारे में और कुछ दूसरे वर्ब के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.